नमस्कार, आप सभी का स्वागत है लाइव टीवी समाचार में। मैं हूं आपके साथ मंजू रुधियाल। बढ़ते हैं आज की मुख्य खबरों की तरफ। तप से सिद्धि, श्रम से धन, बल से भूमि, गुरु सेवा से ज्ञान और भगवत कृपा से मोक्ष भले मिल जाए, किंतु यश केवल दान से ही मिलता है। इस धरती पर जन्म लेने वाला हर जीव की मृत्यु होती है, लेकिन एकमात्र दानी जो मरकर भी अपने यश के कारण अमर होता है। भारतीय पौराणिक कथाओं में देने का सुख पाकर जो कोई यशस्वी हुआ, इन्हीं रास्तों पर चलते हुए जनपद अयोध्या के तहसील मिल्कीपुर ग्राम पंचायत निमिडी पूरे दूधाधारी मिश्र के निवासी महादानी शीतला प्रसाद मिश्र पूर्व अध्यापक ने पूज्य संत श्री करपात्री जी महाराज के प्रेरणा स्रोत कथा व्यास राष्ट्रीय चिंतक पंडित सतीश चंद्र शास्त्री को गुरुकुल के नाम पर 10 बीघा जमीन दान की। अयोध्या से वीके यादव की रिपोर्ट। महाराज जी, सबसे पहले मैं आपका परिचय जानना चाहूंगा। विश्वसेन रामानुजाचार्य त्रिदंडी स्वामी करपात्री जी महाराज जी। आज यहाँ विशाल जो है कथा व्यास चल रहा है और यहाँ काफ़ी लोग शरण कर रहे हैं। यहाँ पर एक ऐसा मामला आया है दान का, जो सुनने में ये आ रहा है कि 10 बीघा जो है जमीन दान की गई है। मैं उस महान भाव से भी वार्तालाप करूँगा, उसके बारे में आपसे भी मैं कुछ चाहूँगा कि 2 शब्द आप उसके बारे में बताएं। ये दान ना कहिए आप, दान तो छोटी चीज़ है, ये महादान है। जी जी, लोग एक विश्वास जमीन नहीं देते हैं। अगर हमारे विश्वास जी ने 10 बीघा जमीन दिया है, ये दान नहीं, इन्होंने महादान किया है। महादान दिया है जी, ये तो खुशी की बात है। ये दान किस लिए दिया गया है? श्रीरामर्ष गुरुकुल विद्यापीठ की स्थापना होगी जी, बाद में यह मुझे विश्वविद्यालय के रूप में खेला जाएगा जी। इसमें 6000 विद्यार्थी जी एक साथ बैठ करके विद्या का अध्ययन करेंगे जी, और उसी में से सबका एक गणवेश रहेगा जी। हमारा गणवेश पेंशन नहीं रहेगा जी, जी। हमारा गणवेश रहेगा विवेकानंद का स्वरूप रहेगा जी, जी। 6000 विवेकानंद 5 साल कंधा निकालेंगे जी, ताकि हमारे देश में दुराचार, भ्रष्टाचार, पापा जनाचार का खात्मा हो सके जी। और जो है मैं उन महान भाव से भी पूछना चाहूँगा, आएंगे, मैं चाहूँगा कि जरा सा हमको सामने लाया जाए। महाराज जी, सबसे पहले हम आपका नाम जानना चाहेंगे। शीतला प्रसाद मिश्रा मौजा निमड़ी हरदोइया भगवान। तो महाराज जी, एक बात बताएं, ये चीज़ जो आपने दान किया है, यह विचार आपके मन में कब आया, कैसे आया? कुछ दिन से पहले जी, वो जमीन दान करेंगे हाँ। जब मिले पंडित जी जी, बातचीत हुई और हाँ किया। नहीं, ये विचार कैसे आपके मन के अंदर आया? इतना अच्छा विचार जो है, जो आपके अंदर आया है कि हमारे पास जमीन मतलब से ज़्यादा जी जी, कोई जोता बोता नहीं तो क्या करें उसे? जी जी, नहीं, आपने बहुत बड़ा कल्याण का काम किया है, बहुत बड़ा। वैसे दान तो बहुत कमी लोग यहाँ तक तो एक हाथ के लिए लड़ाई लड़ जाते हैं, जान तक ले लेते हैं, लेकिन आपने बहुत बड़ा काम किया है। धन्यवाद मैं चाहूँगा, मैं अपने चैनल के माध्यम से भी धन्यवाद दूंगा आपको। तो क्या आप संदेश देना चाहेंगे हमारे चैनल के माध्यम से, कुछ बताना चाहेंगे चैनल के माध्यम से? कुछ नहीं बताना चाहेंगे। महाराज जी, मैं चाहूँगा कि 2 शब्द आप हमारे चैनल के माध्यम से कुछ कहें। मैं आपके चैनल को बहुत बहुत सा धन्यवाद ज्ञापित करता हूं जी। मैं आपके चैनल के माध्यम से कहना चाहता हूं जी कि आज भारतवर्ष में जी हमें शिक्षा की परम आवश्यकता है जी जी, और शिक्षा अगर हो जाएगा जी तभी हमारा देश हिंदुस्तान जो है हिंदू राष्ट्र नहीं बल्कि विश्व का सर्वोच्च पद पे जाएगा जी। इस कारण अब हमें जो है राम प्रसाद बिस्मिल, भगत सिंह, चंद्रशेखर आज़ाद जैसे लोगों को पैदा करना है।